अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आए हैं, आपके साथ शेयर करेंगे, चिकन शवारमा रेसिपी। तो आए बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, मेरे पास चिकन है, एक पाव चिकन लिया मैंने, उसको मैंने इस तरह काट लिया और अभी हम इसके अंदर दूसरे मसाले डाल के इनको मैरिनेट करते हैं। ठीक है, आधा चम्मच मेरे पास तिक्का मसाला, ये डाल दूँगी मैं इसमें। खुश्क धनिया पिसा हुआ, ये आधा चम्मच ये डाल दूंगी। गरम मसाला आधा चम्मच, चाट मसाला ये डाल दूंगी इसमें आधा चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच और ये कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी आधा चाय का चम्मच है। ये लहसुन अदरक पेस्ट किया हुआ मेरे पास, साथ में कुटी हुई सब्ज मिर्चें, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी ग्राइंड की हुई। और अब मेरे पास मैं दही डालूंगी इसमें चार चम्मच, ये। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद एक घंटे के लिए हमने इसको रख देना है। और ये हाफ मेरे पास नींबू है, ये भी मैं इसके ऊपर इस तरह डाल दूंगी, बीच मैंने निकाल ली है पहले ही। और चाहे तो आप सिरका डाल दें, यूज़ कर लें इसमें, या आप चाहे तो नींबू डाल लें, मेरे पास नींबू था मैंने वो डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो आए ये शवारमे के लिए डो बनाते हैं। ये मेरे पास आधा किलो मैदा है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। इसको मैंने छान लिया था और अब मैं ईस्ट डालूँगी डेढ़ चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक और ये साथ में आधा। ईस्ट आपको किसी भी बेकरी से आराम से मिल जाएगी। और ये मेरे पास बेकिंग सोडा है, और ये मैंने एक चम्मच, ये देखिए ये मैंने एक चम्मच इसमें डाल दी है। कुकिंग ऑयल है मेरे पास, ये मैं इसमें एक चम्मच भर के ये डाल दूंगी। डेढ़ चम्मच मैंने इसमें चीनी डाली है, एक पहले डाल दिया और एक आधा अब डाल दूंगी। नमक भी आधा चम्मच जा रहा है। ये दूध है मेरे पास नीम गरम, तो इसके साथ हमने डो को गूंदना है। अगर आप ठंडे से गूंदेंगे तो आपकी डो बिल्कुल भी नहीं फूलेगी। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया सबको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें कैसी ज़बरदस्त हमारी डो मैंने गूंदी है। इसको अभी अच्छे से गूंद लिया और ये मेरे हाथों पे बिल्कुल भी नहीं अब चिपक रही। ये देखें इसको 7 से 8 मिनट मैंने गूंदा है और ये इतना सा मैंने ऑयल अपने हाथों पे लगा के इस तरह कर रही हूँ। आपने भी सेम इसी तरह ही करना है, ठीक है? और अभी मैं इसको एक घंटे के लिए रख दूँगी। अगर आपके पास इस तरह का डोंगा नहीं है जो कवर होता हो तो कोई मसला नहीं है, आप किसी कपड़े में या डोंगे के अंदर डालकर ऊपर कपड़ा लगा लें अच्छी तरह, लेकिन गर्म जगह पर रखनी है जिससे हमारी डो फूले, ठीक है जी। अब हम रेड सॉस बनाएंगे जो शवारमे के अंदर हम लोग लगाएंगे नीचे। ये मेरे पास छोटा मीडियम साइज़ का प्याज है, ये डाल दूंगी मैं इसमें। ये लौंगी मिर्च है मेरे पास 6 से 7 अदद, ये डाल दूंगी इसमें। ये मैंने पानी में भिगो दी थी पहले ही ताकि हमारी थोड़ी नरम हो जाए। और साथ में थोड़ा सा पानी डाल दूंगी मैं इसमें, इसी का ही पानी आपने इस्तेमाल करना है। लहसुन अदरक का पेस्ट आधा चाय का चम्मच, आधा चम्मच डाल दिए। और काली मिर्ची का पाउडर मेरे पास, ये भी आधा चाय का चम्मच। ये नमक मेरे पास चौथाई हिस्सा, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी जी। नमक डाल दिया, अब मैं आपको ग्राइंड करके दिखाती हूँ जी। ये देखिए मैंने पेस्ट बना लिया इसका, ग्राइंड कर लिया। ये रेड चिली सॉस, ये रेड चिली सॉस बनाई है। अब मैं आपको वाइट सॉस बनाना बताऊंगी।
ये हाफ टीस्पून नमक, काली मिर्च और ये केचप मेरे पास एक, और ये दो चम्मच, इसमें मैंने ये दो चम्मच डाल दिए हैं केचप के। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे जी। ये देखिए ये हमारी चिली सॉस ये भी तैयार हो गई रेड, और ये वाइट सॉस ये भी हमने तैयार कर लिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको एक घंटा हो गया हमारे चिकन को रखे, तो आए इसको फ्राई करते हैं ऑयल में। ये मेरे पास कुकिंग ऑयल है, एक चम्मच डाला, और ये मिक्सचर, जी ये देखें मैंने इसको एक घंटे के लिए रखा था। अच्छे से ये देखें मसाला इसके ऊपर आ गया, लग गया, मैरिनेट किया था। तो अब हम इसको हल्की आंच पे पकाना है इसको, ठीक है। अब मैं इसको ढक दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। जी ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारा ये फ्राई हो गया, ठीक है। इसको मैंने 10 मिनट के लिए रख ढक दिया था, और ये देखिए माशाल्लाह से हमारा चिकन बहुत अच्छे से गल गया। जी एक घंटा पूरा हो गया है, तो आए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारा कैसा ज़बरदस्त ये राइस हो गया, ये देखिए। ये तो मैंने थोड़ा खुशका फेंक है, अब इसके बाइट बनाते हैं, ठीक है। हम इसके इस तरह मस लेंगे एक दफ़ा यूँ, ये देखिए कैसी लचक आई हुई है इसमें, ये देखिए। इस तरह हमने इसको हिलाना है, अब हम इसके स्लाइस करेंगे इस तरह। नाइफ हो आपके पास वो भी ठीक है, कटर हो वो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब हम बनाते हैं इसके पेड़े, छोटे छोटे बनाएंगे। तो देखें इस तरह गोल करना है, ये देखिए बन गया जी। और अब मैं आपको सारे बना के फिर दिखाती हूँ जी। ये हमारे सारे पेड़े तैयार हो गए, तो अब मैं आपको बेल के दिखाती हूँ। किया ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा मोटा, जी ये हमने पेल दिए। अब मैं ये तवे के ऊपर डाल दूंगी, जी ये देखें कितना अच्छा फूल गया। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे, ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया इसके ऊपर जी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा ये बन गया। अभी मैं इसको अभी मैं आपको और बनाकर बाद में दिखा दूँ, ठीक है जी। ये देखिए माशाल्लाह से कैसी ज़बरदस्त हमारी तैयार हो गई है, ये देखिए अंदर से भी गल गया है, कलर भी बहुत अच्छा है। तो इसी तरह ही आपने इसको हल्की आँच पर बनाना है, तो इंशाल्लाह आपकी भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो अब मैं आपको दूसरी के बनाकर दिखाती हूँ, ठीक है जी। और ये देखिए इधर से भी कलर आ गया, इधर से भी बहुत ज़बरदस्त पक गया हमारा। तो इसी तरह ही आपने बनाना है, और मैं आपको अब दूसरे बनाकर दिखाती हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारी शवरमा ब्रेड तैयार हो गई, ये देखिए कैसे ज़बरदस्त कलर भी आए हुए। तो आए अब बनाकर आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले जो सॉस बनाई थी रेड सॉस वो लगाऊंगी मैं, ये है खीरा, गाजर,
प्याज, और इसको मैंने सिरके में 2 घंटे के लिए डिप करके रख दिया था सिरके में, ठीक है। अब हम लगाते हैं। चिकन व्हाइट सॉस, देखिए ये लगाऊंगी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और अब इसको फोल्ड करेंगे हम लोग ऐसे, ये जी, ये देखिए ये मैंने तैयार कर दिया माशाल्लाह से अंदर तक, देखिए आप। तो इसी तरह मैं आपको दूसरे भी बना कर दिखाती हूँ। ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, देखें बहुत मज़े के मैंने बना लिए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखें, ये देखें आप कैसे ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो ये मैंने घर की ही चीज़ों से बनाए हैं, आप ज़रूर मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें। ये देखें आप इसके अंदर तक चेक करें कैसा ज़बरदस्त है। ये सारी मैंने घर की चीज़ें डाली हैं, तो आप भी सेम इसी तरह ही बनाइएगा। और लाइक क्या करें, सब्सक्राइब भी किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर भी किया करें। शुक्रिया।